morning, all of the things class 6. आज आपको न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो क्लास 6 चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो यहां आपको समझना है कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होती है तो उस चैप्टर के बारे में जानिए कि उस चैप्टर क्या है। तो लीनियर इक्वेशन जो है, लिखिएगा आप इसमें जो एन इक्वेशन, इन इक्वेशन इज स्टेटमेंट, क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वल टू साइन। एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वल टू साइन। एग्जाम्पल में आप समझेंगे, 3a + 5 = 9। तो इस आप जो ऐसे इक्वेशन बोला जाता है, इक्वल का साइन मीन्स इक्वालिटी। क्या क्या है? वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको रिकॉल करते हैं लीनियर इक्वेशन। आप लिखना चाहते हैं तो बुक में भी आपका लिखा हुआ है, ऐसे तो आप लिख सकते हैं, इसको रिटेन भी कर सकते हैं। चैप्टर का नाम लिखिएगा ऊपर में, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 8 स्टार्ट हो गई है और इसमें लीनियर इक्वेशन है। अब आइए कि इसको सोलूशन, अगर इक्वेशन है तो इसका सोलूशन होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन एडाइज होता है कि व्हाट इज द सोलूशन, ठीक है? व्हाट इज द सोलूशन, सोलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो आपका आंसर देना है आपको, एन इक्वेशन या वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्या करती है? सेटिस्फाइड बोथ साइड, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या एन इक्वेशन सोलूशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल जो होती है वो क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है बोथ साइड। इस जैसे एग्जाम्पल में आपको लेते हैं, फोर एग्जाम्पल अगर यह 3a + 5
इज इक्वल टू 9, ठीक है, या 11। तो इसका वैल्यू अगर 4 यानी 4 अगर मानते हैं ए इक्वल टू 2 सपोज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी ए इक्वल टू 2 क्या वैल्यू है, वो क्या करती है, दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। जिसे LHS ले लिया, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो LHS में अगर हम पुट करेंगे यानी 3A+5, तो A जो है से वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं 3 × 2+5 इसके टू क्या हुआ 11। तो RHS भी 11 है, तो क्या करता है, एज कल टू 2 जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइड करती है दोनों साइड को, एन इक्वेशन है ना, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें इन्वॉल्विंग जो वेरिएबल होती है वो सेटिस्फाइड करती है बोथ साइड, इट इज ट्रू और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो सोल्यूशन आप चेक भी आप कर सकते हैं, इसको इसी प्रकार से चेक भी कर सकते हैं, कि आपको चेक करना है कि आपको से क्वेश्चन रहेगा क्या, ये जो ये क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा आपको, ये जो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आपको चेक कर बना, सोल्यूशन पर क्वेश्चन रहेगा, सोल्यूशन पर क्वेश्चन क्या रहेगा, ये जो टू आपको देखना है रहेगा इज टू सोल्यूशन ऑफ 3A+5 क्वेश्चन मार्क देगा, दिया जा रहा है देगा इज टू इज अ सोल्यूशन इज टू सोल्यूशन ऑफ 3A+5 इज इक्वल टू 11, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अरे इस इक्वेशन का क्या टू सोल्यूशन है, तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है कि LHS इज इक्वल टू LHS लिखना है, ठीक है, 3A+5 इज इक्वल टू 3 × 2+5 इज इक्वल टू 6+5 इसकल टू 11 और RHS क्या आपका 11, तो कह सकते हैं यस, यस में आंसर देगा टू इज ए टू इन अ सोल्यूशन ऑफ 3A+5। तो आप सोल्यूशन पर क्वेश्चन रहेगा, आपको चेक रहेगा करने की, तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन टू है या नहीं है, यस या नो में आपको बताना है। अब इसका जो आपको अब इसको सोल्यूशन को चेक करना है, आपको बताया कि भाटी मानी सोल्यूशन, अब है सोल्विंग, आप कैसे इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आया कि भाटी द इक्वेशन, दूसरा पॉइंट आया सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब तीसरा पॉइंट क्या रहा है सोल्व ऑफ इक्वेशन। तीन पॉइंट पर जो है सोल्व ऑफ कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व ऑफ इक्वेशन में आप जो है से सॉल्व ऑफ इक्वेशन तो सॉल्व ऑफ इक्वेशन में बहुत मेथड है, लेकिन आपको जो पढ़ना है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या पढ़ना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड से आप सोल्व कीजिए, जैसे इक्वेशन आपको मैं लिया 3A+5 इज इक्वल टू 14, ठीक है, सोल्व कीजिए आप इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, तो आप क्या कीजिएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड में एक बॉक्स बनाइएगा, क्या बनाइएगा बॉक्स, बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स को इस प्रकार से आप बनाइएगा, इधर आप लिखिएगा
क्या वेरिएबल क्या आप यूज कर रहे हैं, ए है क्वेश्चन में वेरिएबल, यहाँ लिखे राइट कीजिएगा वेरिएबल, एक वेरिएबल का कॉलम, एक एनएचएस का कॉलम, एक आरएचएस का कॉलम, एक सॉल्यूशन का कॉलम। आप जो हीट एक ट्रायल एंड हीट आप सेटेबल चॉइस में लीजिएगा। सपोज हम लेते हैं ए इक्वल टू वन, क्या लेते हैं ए इक्वल टू वन, वेरिएबल ए हुआ, एलएचएस में पुटिंग करते हैं थ्री ए इक्वल टू वन, थ्री इंटू वन प्लस फाइव, ठीक है। आपको आरएचएस क्या आया है, आपको थ्री और फाइव क्या हुआ, एट हुआ। यहाँ लिखिएगा एलएचएस, जब थ्री लिया तो आपको आरएचएस क्या मिला, एट मिला, तो एलएचएस नोट इज इक्वल टू आरएचएस, यहाँ नो हो गया, सोल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है हमको। फिर आपको लेना है टू लेना है सपोज, तो थ्री इन टू टू प्लस फाइव, तो थ्री टू या सिक्स या सिक्स फाइव क्या हो गया एलेवन। यहाँ पर भी जो ऐसे आपको जो ऐसे इक्वेशन को जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आने लिखेंगे एल एच एस नोट इज इक्वल टू आर एच एस नो। इसी प्रकार से आप ट्राई कीजिएगा थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव, थ्री थ्री या नाइन, नाइन फाइव फोर्टीन, यस यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यानी यस में इसका आंसर हो जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ क्या पुटिंग किए ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ भूल गया आपको थ्री, देखिए सॉल्यूशन निकल गया ए इक्वल टू थ्री, नोट ए इक्वल टू थ्री, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रायल एरर मेथड में आप जो ऐसे आपको सोल्व करना है इक्वेशन को, इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है ट्रायल एरर मेथड का, तो इसी टाइप से सोल्व करने का मेथड है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, तो ठीक है। तो आज का क्लास इतनी ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। स्टे होम, थैंक यू।